वेलकम फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई एक दूसरे से कब कब मिलती है ये सीखेंगे, केवल 3 मिनट के इस वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई एक बार मिलती है, यानी कुल 12 अलग अलग समय पर। दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि आपको लगभग समय कब है जब घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे को ढकती है। तो 12 ऐसे समय हैं जब दोनों कांटा एक दूसरे से मिलता है, ये लगभग समय हुआ जो आपको माइंड में रखना है। बहुत आसान है, आवर में 1 आवर बढ़ता जा रहा है, 12 1 2 3 4 5 करके, और मिनट में 5 5 मिनट बढ़ता जा रहा है, +5 5 हो रहा है, +5 5 आप देख रहे हो, +5 एक दूसरे से 5 मिनट था, 10 15 20 25 ऐसे कर दे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न बनाते हैं इस पर। तो पहला प्रश्न है, 3 एवं 4 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई एक साथ होती है। तो यहाँ पास हमें ध्यान देना है वह पॉइंट कि 3:15 में लगभग ये क्या होता है, एक साथ होता है। अब ये जो मिनट है, बस मिनट पर ध्यान देना है, मिनट को 12/11 से गुना कर देना है, 12/11 से, यही ट्रिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिनट को 12/11 से गुना कर देना है। तो फिर से देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, 3 को ऐसे ही रहने देंगे आवर को, और 12 को 15 से गुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 180, और फिर 11 से डिवाइड करना है। अगले टर्म में डिवाइड करते हैं, देखिए एक बार ये आया कटकर, तो हम लोग थोड़ा सजा कर लिख देते हैं, 3:16.4/11 ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 6 एवं 7 बजे के बीच। तो फिर से हम लोग माइंड में देखेंगे 6 एवं 7 बजे के बीच किस समय होता है, लगभग 6:30 में। अब इसको हम लोग आपको बताएं मिनट वाले में, 12/11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 360/11, फिर डिवाइड करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा आपको 6:32.8/11। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एवं 5 बजे के बीच। तो फिर से वही आपको रिमेंबर टाइम लिखना है जो लगभग समय होता है, 4:20, 20 को करना है 12/11 से, तो ये हो गया आपको 4 240/11, फिर डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ गया आपको 4:21.9/11। इतने बजे ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह 3 मिनट का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।